अज असी नाव बारे जानांगे। मनुख ने अपने आले दुआले हर वस्तु जां भाव नूं पहचानन लई कोई ना कोई नां दित्ता है। अजिहे शब्द व्याकरण विच नाम अखवांदे हन। नाम परिभाषा, जेड़ा शब्द किसी व्यक्ति, जीव, थां, वस्तु दे नां नूं प्रगट करे उस नूं नाम कहा जाता है। नाम पांच प्रकार दे हुंदे हन। नंबर एक, जातिवाचक जां आम नाम। नंबर दो, निजवाचक जां खास नाम। नंबर तीन, समूहवाचक जां इकट्ठवाचक नाम। नंबर चार, पदार्थवाचक जां वस्तुवाचक नाम। नंबर पांच, भाववाचक नाम। जातिवाचक जां आम नाम, जेड़ा शब्द किसी एक श्रेणी दियां सारियां चीजां लई वरत्या जावे उसनू जातिवाचक जां आम नाम कहा जांदा है। जिवें शहर, शहर एक जातिवाचक नाम है। ए एक श्रेणी दियां सारियां चीजां लई वरत्या गया है। जिवें शहर विच घर, मकान, लोक ते गड्डियां इकट्ठे आ जांदे हन। इन्हां सारियां दा समूह मिल के एक श्रेणी जां इकट्ठ बणाउंदे हन जिस नूं असीं शहर कहिंदे हां। पुस्तक, पुस्तक भिन्न भिन्न विषयां बारे जदों बहुत सारियां पुस्तकां इकट्ठियां पईयां होण असीं सब नूं इक्को श्रेणी विच रख के बोलदे हां। जिवें इह सारियां पुस्तकां किस दियां हन, चाहे सब दे विषय वक्खो वक्खरे हन। इसे तरह फुल, फुल भी भिन्न भिन्न किस्म दे हुंदे हन, पर आम तौर ते जिक्र करना होवे तां फुल्लां नूं इक्को श्रेणी विच रख के बोलदे हां। जिवें मैनू उसने फुलां दा गुलदस्ता दिता, इस विच असी इकले इकले फुल दी किस्म दा नां नहीं लिया, सब नू इको श्रेणी विच रख के बोलिया है। निजवाचक जां खास नाम, जेड़ा शब्द किसी खास वस्तु, खास चीज जां किसी खास स्थान दी जानकारी देवे उस नू निजवाचक जां खास नाम कहा जांदा है। जिवें श्री दरबार साहिब, सब तो पहला जिस भी शब्द अगे श्री, श्रीमान, शहीद, महान जां किसे होर शब्द दे द्वारा सन्मान दिता जांदा होवे ता ओ जगह स्थान ते व्यक्ति दे खास होण दी पहचान हुंदी है। जिवें श्री दरबार साहिब, एह भारत दे सारे धार्मिक स्थानां विचों एक खास स्थान है, सो एक खास जां निजवाचक नाम है। शहीद भगत सिंह, इसी तरह शहीद भगत सिंह ने देश दी आजादी लई कुर्बानी दित्ती, सो शहीद भगत सिंह दी देश आजाद करवाउण वाले आजादी गुलाटियां विच खास अहमियत है। सुखना झील, एह भारत दियां झीलां चों खास झील है, सो ए एक खास नाम है। समूहवाचक जां इकट्ठवाचक नाम, जेड़ा शब्द गिनिया जाण वालियां वस्तां जां जीवां दे इकट्ठ जां समूह दे नां लई वरत्या जावे उस नूं समूहवाचक जां इकट्ठवाचक नाम कहा जांदा है। जिवें टीम, जदों दो जां दो तों वध खिडारी एक समूह बना के इको ही खेड खेडदे होण जां काम करदे हन तां उस नूं टीम कहा जांदा है, जो एक समूह जां इकट्ठवाचक शब्द है। इसे तरह ही फौज, बहुत सारे फौजी इकट्ठे मिलके देश दी सुरक्षा करदे हन तां फौजियां दे इकट्ठ नूं फौज कहिंदे हां। इसे तरह जमात, जदों विद्यार्थी एक ही जगह ते इकट्ठे हो के पढ़दे हन तां उस नूं जमात कहिंदे हन। पदार्थवाचक जां वस्तुवाचक नाम, जेड़ा शब्द तौलियां जां मिनियां जाण वालियां
ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ਾਂਤ। ਰੋਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।